नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। मैं आपके साथ निशी भाटिया। आज हम मौजूद है राजधानी के बाजार में, जहां हम लगातार कवरेज कर रहे हैं, पूरी राजधानी को कवर कर रहे हैं। और ये चुनाव से पहले जो प्रक्रिया चलती है, क्या है लोगों की राय, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो वहीं कल हमारी राजधानी में देहरादून में प्रियंका गांधी जी आई, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कई बड़े वादे किए और 78 पेज का उन्होंने घोषणा पत्र जो है जारी किया। और इसी के साथ उनके जो घोषणा पत्र में तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं थी, वो कहीं ना कहीं सीधा विपक्ष के निशाने पर बन गई। खासकर आम आदमी पार्टी के कर्नल अजय कोटियाल ने एक बहुत बड़ा बयान दिया उनके घोषणा पत्र को देखते हुए कि ये बिल्कुल दिल्ली का मॉडल साफ और साफ कॉपी पेस्ट किया गया है। इसी के साथ हम जानने की कोशिश करेंगे लोगों से कि क्या है उनकी राय, क्या उस घोषणा पत्र के बाद लोगों का फैसला बदल जाएगा। क्योंकि उन्होंने जो तमाम घोषणा पत्र में जितनी भी बातें कही गई कि 500 से अधिक जो है इस गैस सिलेंडर के दाम नहीं होंगे, इसके अलावा बच्चों की स्कूली शिक्षा पर भी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही, पहाड़ों में विकास होगा, पेयजल की समस्या से लेकर, उन्होंने हर एक चीज पर खासा ध्यान दिया है। और खासकर महिलाओं के लिए उन्होंने 51 नई घोषणाएं की है। जी हाँ, 51 बहुत बड़ी बात होती है। और साथ ही साथ बसों में महिलाओं को फ्री सुविधा दी जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रदेश के लिए बात होने वाली है कि कांग्रेस पार्टी अगर उत्तराखंड की सरकार सत्ता में ले आती है तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो हमारे साथ मौजूद है सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल राजधानी में प्रियंका गांधी जी आई, जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, उन्होंने कई घोषणाएं की, तो आपको उनकी घोषणाओं में से सबसे अच्छा क्या लगा? उनका जो सबसे अच्छा है लगा, जो दिल्ली के मॉडल पे करना चाह रहे हैं ना वे, ये सबसे अच्छा लगा। लगे लेडीजों के लिए गाड़ी जी, गैस फ्री और अस्पताल मोहल्ला क्लिनिक फ्री जी, जो ये घोषणा करी है सब हमें अच्छी लगी उनकी, और वो कर देंगे। आपको पूरा भरोसा है कि सर कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो करेगी? और वो करेगी, करेगी भी और आएगी भी सरकार। अच्छा, आगे जाओ। तो आप लोग भी कांग्रेस को वोट दें? पक्का, हम तो कांग्रेस ही हमेशा से। अच्छा, तो आप कांग्रेस को देते हैं। तो ऐसी क्या तमाम बातें होंगी, तमाम मुद्दे होंगे जो आप कांग्रेस पार्टी से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में आए तो ये काम करे? ये उम्मीद जो उन्होंने बोली, यही उम्मीद है हमारी, ये उम्मीद है पूरी करेंगे, खड़े उतरेंगे इस बात पे। बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या होने वाला है इस बार? इस बार यही सबसे मुद्दा मेन है, बीजेपी और कांग्रेस जीते। आपका मुद्दा है कि बीजेपी को हटाओ? बस बस, बीजेपी को हटाओ। बीजेपी बीजेपी क्यों पसंद नहीं आपको? बस उसके टाइम में वक्त अच्छा ही चला, सारा खराब चला। अच्छा, बहुत खराब चला, बीमारी, बेरोजगारी, महंगाई, तबाही तबाही रही, बस और क्या। अच्छा, इसलिए अच्छे लग रही। तो आपका ये मानना है कि बीजेपी के राज में तबाही हुई है, बेरोजगारी बढ़ी? बहुत बेरोजगारी, महंगाई और परेशान निकालम जो भी कुछ जी। तो अब और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी जी आई है यहाँ पर कल और उन्होंने कई घोषणाएं की, 78 पेज का उन्होंने घोषणा पत्र उत्तराखंड की जनता के आगे रखा, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, घोषणा पत्र तो खैर मैंने अभी देखा नहीं है, ना मैंने पढ़ा है, उस बारे में तो मैं कह नहीं सकता। बाकी यह है कि इस बार 90% चांस कांग्रेस के उत्तराखंड में। वजह यह है, देखिए आप जैसे फ्लाई ओवर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, सबसे बड़ा मेन जो पब्लिक को चाहिए वो चाहिए महंगाई से राहत। सिलेंडर जो 900 रुपये का था, वो जैसे चुनाव आते नज़दीक वो सिलेंडर 900 रुपये का हो जाता है, 1000 रुपये का। अब जैसे पेट्रोल 110 रुपये लीटर था 2 महीने पहले, अब वो सीधा 10-15 रुपये कम हो गया, 90 रुपये हो गया। तो ये चुनाव आते क्यों चीज़ सस्ती होती है? या तो पहले करो ना, 5 साल जब आपका राज रहा, 4.5 साल तक तो आप वैसे वैसे ढर्रे पे चलाते रहे, जहाँ देखा आपने इलेक्शन आया आपने रेट कम कर दिए। तो जनता पागल नहीं है, जनता को चाहिए रेगुलर महंगाई से राहत। तो अब जनता पूरी उम्मीद लगाए बैठी है और बिल्कुल पूरे मजबूत इरादे के साथ इस बार चुनाव में मतदान देगी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देगी। तो आप आपके हिसाब से क्या है अहम मुद्दा इस बार चुनाव? अहम मेन तो देखो जी महंगाई है, बाकी तो हाँ देखिए विकास मानते हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास से जनता का मतलब, जैसे किसी ने मान लो आपने फ्लाई ओवर बनाया, हर किसी पास कोई कार तो है नहीं जो फ्लाई ओवर का मजा लेने जाएगा या फ्लाई ओवर पर गाड़ी लेके जाएगा, कोई डेली कोई दिल्ली तो जाएगा नहीं। जो मेन जो है ना शहर के अंदर, जनता को ये है महंगाई से राहत चाहिए। जो रिफाइंड 200 रुपये लीटर पहुंच गया था, वो जैसे ही वो आया इलेक्शन वो सीधा 140 रुपये आ गया, तो पहले क्यों नहीं होती ये बात है, ये बात है मेन मुद्दा ही है। तो अब आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर आती है तो इन तमाम मुद्दों पर काम करके और जनता की आम समस्या को समझेगी? अगर प्रियंका गांधी के नेतृत्व में ये हुआ काम तब तो चांस है। देखिए राहुल गांधी का थोड़ा नहीं बनता लगता, बाकी आगे प्रियंका गांधी। राहुल गांधी से ज्यादा भरोसा प्रियंका गांधी वाड्रा पर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, हाँ।
तो महिलाओं के लिए कहीं उन्होंने 51 नई घोषणाओं का ऐलान किया है, महिलाओं को बसों में फ्री सुविधा दी जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, फ्री सुविधाएं दें लेकिन जायज वाली दें, मतलब ऐसा ना करें आदमी को पंगो बना दें, जैसे बिजली फ्री ये चीज़ें नहीं चाहिए, मतलब जायज जो चीज़ ली जाए वो जायज, जैसे महंगाई पे थोड़ा रोक लगाई जाए वो चले, बिल्कुल फ्री वाले में ना आदमी कहता है कि भाई जब ये चीज़ फ्री मिली है तो, जैसे बिजली फ्री है तो दबा के चलाओ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एक जायज मांग होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कल राजधानी में प्रियंका गांधी वाड्रा आई तो उन्होंने कहीं ना कहीं 78 पेज का जो वो घोषणा पत्र लाई, साथ साथ उन्होंने कहीं जनता की आम समस्याओं से जुड़े मुद्दे उन्होंने रखे, तो इस पर आपका क्या कहना है, आपको लगा वो अच्छा मुद्दा या फिर नहीं? देखिए, कांग्रेस सरकार इस समय सिर्फ किसी प्रकार जो घोषणाएं कर रही है उस घोषणा में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो जनता के लिए होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा क्यों लगता है आपको कि उनकी जो घोषणाएं हैं उनमें जनता का कोई भला नहीं है? क्योंकि वो सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है उनके लिए, उस चुनावी को एक तरह से आम जनता के जो थोड़ी सी समस्याएं हैं गैस को लेकर, इसको लेकर एक चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए कि जिससे कि कांग्रेस वो अपना पे सत्ता हासिल कर सके, और कुछ नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं करती कांग्रेस सरकार, ना वो करती है। भाजपा ने कहा है कि हमने करा है, करेगी और आगे भी करेगी, भाजपा का कहना ये है, और पूरा पूर्ण समर्पण जो समर्थन है वो भाजपा के साथ है, धामी के साथ है, और धामी जी ने उत्तराखंड के लिए जो 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना है जो उन्होंने करी है, अभी कहना घोषणा जो मोदी जी भी आए थे, मोदी जी ने भी कहा था कि हम धरातल पे करेंगे, चाहे टनल का काम हो, चाहे किसी से काम हो, चाहे परियोजना हो, सड़क योजना हो। जैसे कि आपने धामी जी की बात करी, तो धामी जी के नाम पर जैसी वो आए तो युवा मुख्यमंत्री हैं वो एक तरह से, तो उन्होंने काफी ज्यादा युवाओं के लिए सोच बनाई कि हम उनको इतना रोजगार देंगे, पर फिर भी गांधी पार्क के बाहर आप देख सकते हैं कि जो युवा है वो नौकरी के लिए तलाश रहे हैं, पर कोई मुख्यमंत्री ना कोई ऐसा नेता सुध लेने आया उन्हें। ये ऐसा कुछ नहीं है, मोदी ये क्या नाम है आपका, धामी जी ने इस विषय में अभी उनको सिर्फ 6 महीने का कार्यकाल हुआ है, और इस कार्यकाल में उन्हें बहुत घोषणाएं करी है, युवाओं के लिए भी उन्हें घोषणाएं करी हैं, उनकी क्या नाम है उनकी जॉब को लेकर भी, उनकी क्या नाम है उनकी नौकरियों को लेकर भी उन्होंने बहुत घोषणाएं करी हैं, और धरातल पर उतारी भी हैं। अभी उन्होंने कई क्या नाम है वो अभी उन्होंने बहुत सी अभी घोषणाएँ करी थी जिसमें कि युवाओं को रोजगार के लिए उन्होंने बोला था, अभी उनका सिर्फ 6 महीने कार्यकाल है, अभी दोबारा आएंगे, इतनी घोषणाएं करेंगे, इतना ही लोगों को इतना रोजगार देंगे कि अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने बीजेपी की बात करी तो आप बीजेपी सरकार के सपोर्टर हैं? नहीं, सपोर्टर क्या है, हम तो आम जनता है, सारी आम जनता खड़ी है। बीजेपी को वोट देंगे? हम बीजेपी को वोट देंगे जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई भी ऐसे 3 विकास कार्य मुझे मुद्दे दिखा दीजिए जो भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में सबसे अच्छे करे, जो आम जनता को ज्यादा अच्छा लगा। जी, उन्होंने एक तो देखो अभी जो अभी हमारा जो केदारनाथ वाला चल रहा वाला ऑल वेदर रोड वाला है, चाहे वो मोदी जी की योजना है, मगर क्या नाम है ये सरकार तो हमारी क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी जो धामी जी की सरकार है वो कर रही है, ठीक है। दूसरा मुद्दा ये है कि उन्होंने दूसरा जो उन्होंने अच्छा कार्य करा है कि जो सड़कों का है, राजमार्गों का काम है, वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, चाहे हमारा पहाड़ों का ले लो, चाहे आप अभी क्या नाम है जितने भी राज्यों में इतने भी काम हमारे सड़कों से लेकर पेयजल से लेकर सारी समस्याएं दूर कर रही करने काम कर रहे हैं। और तीसरा मुद्दा जो नौकरियों को लेकर कह रहे थे आप उन्हीं घोषणाएं पढ़ो, इतनी घोषणाएं कर दी उन्होंने, कितना रोजगार पैदा कर देंगे उत्तराखंड के। घोषणाएं तो सब सरकारें करती है लेकिन धरातल पर कितनी उतरती है वो तो आम जनता वाकिफ है ना उससे। नहीं, धरातल पर भी उतरेगी ना वो जी। अभी उनका कार्यकाल 6 महीने का हुआ है। अच्छा। अभी जब वो पूरा उनका जब वो क्या नाम है अपना क्या नाम है जब वो सरकार बनाएंगे उनके धरातल में नहीं है तो उतारे भी है उन्होंने, आप देखो उनको। धामी जी एक चेहरा है लेकिन सरकार तो 5 सालों से बीजेपी की थी। नहीं, 5 साल पहले भी बहुत काम, और 3 मुख्यमंत्री बदले एक साल में। 3 वक्त को उनका अंदरूनी मामला है उसमें मैं नहीं कह सकता, ना मुझे इतनी नॉलेज है इस बारे में, वो तो पार्टी ने अपना आप करा हुआ फैसला, मुझे तो इसका नहीं पता ना। हमने तो अभी जो एग्जैक्ट जो सरकार चल रही है अभी जो चल रही है उस सरकार के आपने पूछा हमने बता दिया जी। तो मैं आपसे भी यही सवाल कर लेती हूँ कि क्या लगता है आपको कि धामी सरकार क्या काम कर रही है? हमें बीजेपी सरकार काम कर रही है। तो बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आप बीजेपी सरकार के काम को 10 में से कितने नंबर देंगे? अब 10 में से अभी तो मुझे पता नहीं है, पूरे दिख रही है जी। बीजेपी को जिताएंगे आप? जी जी, बीजेपी जी। अच्छा, और जो प्रियंका गांधी वाड्रा कल राजधानी में आई, उन्होंने तमाम घोषणाएं की, तो उस पर आप क्या कहना है? नहीं कुछ नहीं, उनकी घोषणाओं को आपने नजरअंदाज कर लिया, मतलब कि बीजेपी तो बीजेपी। तो अब मैं आपसे भी जान लेती हूँ कि आपको क्या लगता है
कि कल आई प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने लगातार जानते नहीं कांग्रेस वालों को, कांग्रेस वालों को जानते ही नहीं आप, बिल्कुल भी नहीं, नहीं ना भाजपा वालों को जानता हूँ। तो फिर आप किस पार्टी के समर्थक? भोले बाबा। भोले बाबा, तो भोले बाबा इलेक्शन में थोड़ी खड़े होंगे, वो इलेक्शन वही तो करवा रहे, उन दोनों के बीच इलेक्शन वही करवा रहे। तो चलिए अब जान लेते हैं और लोगों से कि आपकी क्या है राय। तो आज हम मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है कल राजधानी में आई, तो उन्होंने तमाम बातें की, तमाम घोषणाएं की, तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, घोषणा तो नेता तो आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन जो धरातल पे काम होता है वही काम दिखता है। कांग्रेस ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, बीजेपी उसके मुकाबले जीरो है, कोई काम बीजेपी की सरकार में नहीं हुआ, बल्कि जो महंगाई है वो चरम सीमा पे पहुंच गई है। बिल्कुल, आप खाद्य तेल देख लीजिए, 13 रुपये 50 पैसे किलो का तेल, जो जिसको हम पाम ऑयल बोलते हैं, आज 200 रुपये किलो हम लोग खा रहे हैं, तो ये बीजेपी की देन है। कांग्रेस अगर जो वादे भी ना करे तो वो इतना अच्छा काम करती है कि आम जनता को उससे निजात मिल जाती है। आम जनता से अच्छे काम, और सारे अच्छे काम किए कांग्रेस ने, इतनी यूनिवर्सिटियाँ कांग्रेस की देन है सारी, बीजेपी ने एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, जितने हॉस्पिटल बनाए वो सारे जो कांग्रेस की देन है, जितने भी कार्य हुए हॉस्पिटल देख लीजिए आज, जिसमें कह रहे हैं कि वैक्सीन फ्री में मिलती है, आप हमारे बाजू पे लगी हुई है, तो ये तो वैक्सीन तो पहले से फ्री में मिलती आ रही है, कोई अब की जरूरी बात है? बस ये कि एक चेहरा दिखा रहा है कि मोदी 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 मोदी, और कुछ नहीं है। मोदी आपको मोदी जी के विकास कार्यों से, एक भी विकास कार्य मोदी साहब ने किया हो तो कोई मेरे को बता दे आके कि ये किया है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चाइना, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कुछ इन लोगों को नहीं आता है। हर बात में तो ये अपने ऐप छिपाने के लिए केवल पाकिस्तान। आपको लगता है भाजपा सरकार जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा देती है? हिंदू और मुसलमान, इससे ज्यादा कुछ नहीं उनके हाथ। काम पे महंगाई पे नहीं बोलते वो लोग महंगाई पे नहीं बोलते, रोजगार पे नहीं बोलते। उनको देखिए, उन नौजवान बच्चों को देखिए जिनकी नौकरी में 2 साल रहे थे सारे, 2 साल से कोरोना के नाम पे आपातकालीन लगा रखा है, बिना बताए आपातकालीन लगा रखा है इस सरकार ने, जबकि कोविड नाम की कोई चीज ही नहीं है, इंडिया में तो थी नहीं। और सबसे अच्छी बात बता दूं मैं आपको कि जिस देश से कोरोना चला था वहाँ पे, वुहान सिटी से, वहाँ पे केवल एक ही सिटी में लॉकडाउन लगाया गया, और बिना किसी वैक्सीन के, बिना किसी दवाई के, एक सिटी में लॉकडाउन लगा के उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और हमारी सरकार राजनीति कर रही है, राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर भाजपा सरकार की बात की जाए, अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो आपको क्या लगता है कि क्या नुकसान होगा प्रदेश को, या फिर क्या फायदा होगा? नहीं देखिए, नफा नुकसान तो तब की बात है ना जब काम किया हो, काम तो आपको लगता नहीं कि भाजपा सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में कोई काम नहीं किया? 0 बटा भी काम नहीं किया। ये रोड, ये देख रहे हो तिलक रोड, ये अच्छी खासी बनी हुई थी, बिल्कुल इसमें ना कोई रोड गड्ढा था ना कुछ था, इसको फिर बना दिया। और जो टूटी हुई रोड है मोहल्ले बस्तियों की ना, आप चलो मैं मोहल्ले बस्तियों में दिखा देता हूँ, वो अभी जैसी की तैसी पड़ी हुई है सारी। तो आपको लगता है यहाँ पे भी विकास कार्य अभी नहीं हुए हैं? जो बनी हुई सड़कें थी उन पर दोबारा काम, ये अच्छी खासी सड़क थी, ये तिलक रोड है, अच्छी खासी सड़क थी, इसको दोबारा बना दिया, और जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अंदर चलिए, कुरबड़ा मोहल्ला देख लीजिए आप, डीएल रोड देख लीजिए, छबील बाग देख लीजिए, देहरादून का आसपास का अंदर का जो मेन रोड हैं उनको दोबारा इन्होंने, पैसे कमाने के लिए और कुछ नहीं, क्योंकि अच्छा खासा कमीशन मिलता है, उन्हीं को दोबारा रिपेयर किया है। इस रोड बनाने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल बढ़िया रोड पड़ी हुई थी, इसको दोबारा बना दिया। कुरबड़े में चलिए, डीएल रोड चलिए, छबील बाग चलिए, कामली रोड जाइए, जहाँ मर्जी जाइए, अंदर गली मोहल्ले में घुस जाइए, सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। अच्छा, कोई काम नहीं है। तो यहाँ का मेन मुद्दा इस बार चुनावी मुद्दा कहीं ना कहीं सड़क हो सकता है? सड़क भी है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो महंगाई का मुद्दा है, इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं। और बेरोजगारी का मुद्दा है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। वो आप बाजार में कहीं भी चले जाइए, मैं आपसे करीब 20 साल मेरे को भी ये दुकान करते हुए हो गए, अब से 20 साल पहले भी ऐसा माहौल नहीं था यहाँ पे जैसा अब है देहरादून के अंदर। कोई किसी, कोई कुछ भी बोले जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि काम किसी के पास नहीं है, सब झूठ बोले। तो हमारे साथ चुनावी चर्चा में जुड़ चुके हैं कुछ तमाम लोग, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कल राजधानी में प्रियंका गांधी वाड्रा आई थी, तो उन्होंने कई तमाम घोषणाएं की, तो उस तमाम घोषणाओं में से आपको क्या लगता है कि कुछ फायदेमंद रहा उत्तराखंड की जनता के लिए, क्योंकि चुनाव नज़दीक है? देखिए, घोषणाएं तो होती रहती हैं जी, लेकिन घोषणाओं को अमल कैसे किया जाएगा ये मेन मुद्दा है। घोषणाएं तो कोई भी कर देगा जी,
लेकिन इस टाइम हमने ये देखना है कि कौन सी पार्टी कौन सी घोषणा कर रही है। जिसका अपना वजूद ही नहीं है यहाँ पर, वो जो मर्जी घोषणा कर दे, क्या फ़ायदा उसका? कुछ भी नहीं फ़ायदा। पहले अपनी ताकत दिखाइए, अपना कैंडिडेट दिखाइए, कुछ करके दिखाइए, तब तो घोषणा दोगे, तब तो फ़ायदा है। कैंडिडेट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री प्रत्याशी जो है हरीश रावत को कांग्रेस की ओर से खड़ा करा गया है, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरे अपने कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा सफल मुख्यमंत्री रहे हैं, तो इस पर आपके? सफल तो हम पूर्ण रूप से सफल नहीं कह सकते जी, सफल रहे हैं, बहुत अच्छे काम उन्होंने कुछ करे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हम सफल कहें वो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पीछे बैकअप नहीं था जी। बहुत अच्छे लोग हैं हमारे गढ़वाल में, बहुत अच्छे दिमागदार लोग हैं, बहुत अच्छा एक प्रदेश है ये, लेकिन सपोर्ट नहीं है। और इस तरीके से हरीश रावत जी को कहीं भी देख लीजिए, अभी पंजाब गए थे, कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि सपोर्ट नहीं है, कांग्रेस सपोर्ट नहीं दे पा रही है। इसलिए मजबूती अगर पीछे हो ना, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सख्त हो, तो वो कैंडिडेट भी बहुत कुछ कर सकता है। हरीश रावत जी इस करके थोड़ा सा विफल हो गए, बहुत अच्छी उनका योजनाएं थी, लेकिन वो तो आपको इस बार क्या लगता है कि उत्तराखंड में कौन बिगुल फूक चुका है, या बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? नहीं देखिए, अभी लहर तो सब बीजेपी की है। अच्छा। काम किया उन्होंने और जमीनी काम दिखता है। आप क्या ऐसे तीन काम बताइए मुझे जो बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे करे? शायद पता नहीं आप कभी पहले दिल्ली रोडवेज की बसों में ट्रैवल किया है कि नहीं किया आपने। जब हम छोटे थे, जब जाते थे, तो हमें 7-7, 8-8 घंटे लगते थे और ऐसे लगता था जैसे कि 3 दिन तक रेस्ट करना पड़ेगा। अभी तो हम मेरठ चले जाएं या दिल्ली चले जाएं, अपनी गाड़ी से सुबह जाके शाम को वापस आ सकते हैं। तो ये जो एक सुंदर सा जाल बिछा गया ना रोड का, ये एक बीजेपी के अंडर पे हुआ है। तो मैं आपके पास आती हूँ अभी, पर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने तमाम घोषणाएं करी, उन्होंने जो 78 पेज का घोषणा पत्र जारी किया है, तो वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता के लिए एक कह सकते हैं कि कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस में से कांग्रेस का घोषणा पत्र अच्छा है, बीजेपी का अच्छा है, तो आपको किसका घोषणा पत्र ज़्यादा अच्छा लगा? घोषणा पत्र तो सभी के अच्छे हैं और बड़े बड़े वायदे सबने किए हैं, लेकिन जमीन पर कौन कितना उतार पाता है वो देखने वाली बात है। 17 से पहले 5 साल कांग्रेस का राज था, आपस में लड़ते रहे, लूटपाट करते रहे, और अंत क्या हुआ? हरीश रावत मुख्यमंत्री होते हुए भी 2 सीटों पर चुनाव लड़े, दोनों जगह हार गए बुरी तरह, यानी कि जनता उन पर विश्वास ही नहीं करती। घोषणा पत्र में उनका एक वायदा है कि हम जो है सिलेंडर 500 रुपये से ज़्यादा का नहीं करने देंगे। उनसे ये पूछिए कि वो केंद्र की सरकार में है क्या? गैस की कीमतें केंद्र सरकार तय करती है या राज्य सरकार तय करती है? ये तो उनको भी मालूम होगा। फिर ये फालतू के वादे करने का फायदा क्या है उसका? तो इसके अलावा आपको क्या लगा कि उनके घोषणा पत्र में ऐसी क्या चीज अच्छी है जो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं की और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चूक रही है उस चीज़? बहुत सारे गाँव से संबंधित जो उनके घोषणाएं हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे पता कि कांग्रेस की घोषणाएं ऐसी होती हैं, जैसे राजीव गांधी ने गंगा सफाई का प्रोग्राम बनाया था, 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन कहाँ गए पता नहीं लगा, गंगा जैसी की तैसी रही। गंगा सफाई अब भी हो रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और गंगा जी आज बनारस में जितनी साफ है उतनी कभी नहीं देखी मैंने। तो आप ये जो प्रियंका गांधी ने वो एक अपना जो घोषणा पत्र जारी किया, उसको आप 10 में से कितने नंबर देंगे? 3 नंबर। 3 नंबर? 3 नंबर भी क्यों? 3 नंबर इसलिए कि गाँव से संबंधित उनकी बहुत सारी घोषणाएं बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो आप किस पार्टी को इस बार चुनाव में चाहते हैं कि वो भारी मतों से जीते? नहीं, चाहता तो मैं ऐसे, मैं कैंडिडेट के हिसाब से चाहता हूँ कि सारे ईमानदार लोग पहुँचें जो जनता के हित में काम करें, लेकिन समस्या क्या है कि सभी पार्टियाँ अपराधी और दलबदलों को टिकट देती हैं और उनका ईमानदारी से दूर दूर तक नाता नहीं है। और यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगी कि आपको क्या घोषणा पत्र में सबसे अच्छी चीज़ लगी, कौन सा, किस पार्टी का घोषणा पत्र सबसे अच्छा रहा? मैम, घोषणा पत्र तो सबके हैं, लेकिन पार्टी कौन सी अच्छी है, कैंडिडेट उसका कौन सा अच्छा है, वो मैटर करता है आम इंसान के लिए। आम जनता को ये नहीं देखना है कि पार्टी कितने लेवल पे काम कर रही है। अभी मसूरी विधानसभा के लिए गणेश जोशी जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो हम अपने क्षेत्र के कैंडिडेट को देखें या पार्टी को देखें, क्योंकि जितना अच्छा कैंडिडेट होगा उतनी अच्छी पार्टी होगी। रही घोषणा पत्र की बात, कांग्रेस ने भी करा, आम आदमी पार्टी ने भी करा, निर्दलीय भी करते हैं, लेकिन निर्दलीयों का कोई वजूद नहीं होता है। जब तक वो अपने आप ही जमीनी तौर पर काम नहीं करेंगे तो उनका क्या वजूद है जी। और सबसे बड़ी बात है, सेंट्रल में भी बीजेपी है, स्टेट में भी इस टाइम पे बीजेपी है, तो अगर दोनों तरफ तालमेल बैठा रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।
अच्छा, तो फिर मैं एक बात कहूँ कि 21 साल हो चुके हैं उत्तराखंड को बने, तो लगातार 21 सालों में कितना पहाड़ों की ओर विकास हुआ है ये सब जानते हैं, और बीजेपी सरकार अपने कार्यकाल में 5 साल के बीच उन्होंने क्या काम किया ये भी आपसे छुपा नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ करा है और आगे कुछ करने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात तो गलती सुधारने में ज़्यादा टाइम लगता है, पहला काम करने में कम टाइम लगता है। जो कांग्रेस ने पिछले 5 साल गलतियां करी हैं उसको सुधारने के लिए बीजेपी को और 5 साल चाहिए ना। अब आप देख लीजिए, हरीश रावत को ये कहते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा है, उनकी सीट ही आप नहीं कंफर्म कर पा रहे थे पहले, तो आपने रामनगर ले गए, रामनगर से लाल कुआ लाए, तो फिर किस बात के आपके कैंडिडेट हैं सीएम के लिए जी? तो आप हरीश रावत जो कांग्रेस पार्टी से हैं उनको कितने नंबर देंगे, और जो वो प्रियंका गांधी ने अपना जो घोषणा पत्र तैयार करा उसको कितने नंबर देंगे आप? 10 में देखिए 0 है, 0 है। वो सेंट्रल में भी अगले 15 साल नहीं आती है और राज्य में तो आती नहीं है खैर कहीं भी, तो 0 तो एक बहुत बड़ा वो हो गया, पर आप 0 क्यों? आप देखिए, कांग्रेस के खुद नेता कहते हैं कि आज के टाइम पे कांग्रेस पार्टी 0 हो चुकी है, तो फिर तो यही मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी, आप कितने नंबर देंगे? मैक्सिमम 2 नंबर, क्योंकि कांग्रेस के पास विजन ही अपना नहीं है बिल्कुल भी। वो घोषणाएं तो कर देंगी लेकिन उसे पूरा कैसे करना है ये भी तो रोड मैप भी तो दे हमें साथ में कि हाँ भाई इस काम को हमने, अगर हमने ये कहा कि हम गैस सिलेंडर 500। तो आपको लगता है कांग्रेस के पास अपना विजन नहीं है, बीजेपी के पास है? बीजेपी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पिक्चर क्लियर है। बीजेपी कोई भी कार्य करती है तो वो बिल्कुल, आज आप देखिए हमारा जो बजट है वो अगले 25 सालों के लिए सोचते हुए आज बजट बना है, अगले 25 सालों को सोचते हुए, एक विजन है, एक क्लैरिटी है। लेकिन जरूरत तो अभी जो आम जनता को है वो आज की जरूरत है, 25 सालों बाद तो उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता ना। मैम आज अगर हम कोई कार्य करते हैं, हम अपने घर पे भी हम कोई कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को लेके चल रहे हैं, उसका फ्यूचर लेके सोचते हैं कि उसे फ्यूचर में हमें क्या कराना है। आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे काम करिए तभी तो आप सक्सेस हो पाएंगे, तभी हम अपनी एक अच्छी सरकार दे पाएंगे जी। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है इस बार उत्तराखंड में कौन अपना परचम लहराने वाला है, कौन सी पार्टी इस बार परचम लहराएगी? मैम परचम तो नो डाउट 101% बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है और उसे कोई रोक नहीं सकता, कांग्रेस से कहीं नामो निशान नहीं है, और 101% हम चाह रहे हैं कि पिछली बार 54 थी, इस बार 60 सीटें पूरी पूरी हमारे 60 से ऊपर सीटें आएंगी हमारी इस बार जी। तो पर कहीं ना कहीं आपके हिसाब से इस बार चुनावी मुद्दा क्या हो सकता है, किस पर बीजेपी को काम करना चाहिए, और आगामी जो चुनाव के बाद अगर कोई भी सरकार आती है तो उसे सबसे मेन फोकस किस मुद्दे पर करना चाहिए? मैम जो अभी उसमें अपने गढ़वाल को, उत्तराखंड को, पहाड़ियों को, जो हिमालय को जो हमारा थोड़ा वो मिला है बेटरमेंट, इसके लिए हमें कुछ बजट भी मिला है, तो फोकस हमारा उसी पर रहेगा पूरा गवर्नमेंट का, कि हम अपने पहाड़ों को और अपने जो गरीब तबका जितना भी है उनको अपना अच्छे से अच्छा उनको कार्य दे सकें जी। तो मैं लास्ट कमेंट सबसे एक बार ले लेती हूँ कि इस वक्त जो चुनाव का माहौल बना हुआ है, लगातार जो राजधानी का माहौल है वो एकदम ठंडा है, पर लेकिन सियासत जो है वो गरमाई हुई है, तो इस पर आपकी क्या राय है कि इस बार चुनाव में कौन अपना परचम लहराएगा, कौन सी पार्टी भारी मतों से जीतेगी, और वो क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे जो उत्तराखंड की जनता के लिए सबसे अहम होने वाले हैं? मैम मुद्दा तो इस समय सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का हमारा चेहरा है, और हमें ये देखना है कि हमें वर्ल्ड वाइड हमें इसका, आप देखिए इंडिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, तरक्की कितनी करी है, तो वही एक मेन मुद्दा वही रहेगा कि हमारा बीजेपी के जो कार्य प्रणाली है वो एक विजन के साथ काम कर रहे हैं और एक देश को तरक्की दे रहे हैं। और आपका क्या है इस पर मानना? मैम 70 out of 65 सीटें है बीजेपी की तरफ, और सबसे बड़ा मुद्दा है कि और आगे बढ़ता रहे प्रदेश बीजेपी के नेतृत्व में, हम तो यही चाहते हैं, और पहाड़ हो या नीचे हो सब जगह विकास चलता रहे और भारतीय जनता पार्टी का परचम हर साल हर 5 साल में लहराता रहे ऐसे। ओके, तो आपका क्या मानना है? मैं सोचता हूँ कि सबसे पहले पलायन और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास जी, ये दो बहुत बड़े मुद्दे हैं, ये अगर हल कर देती है सरकार अगले 5 साल में तो उत्तराखंड तरक्की के बहुत बड़े रास्ते पर होगा। और आपका क्या मानना है? देखिए प्लान तो है ही है, जब तक हम अपने यहाँ के लोगों को रोकेंगे नहीं हम विकास कैसे कर लेंगे जी? विकास तो हुआ है, अगर आप जाएं ऑन रोड देखें तो विकास तो हुआ है, मेन चीज़ अब ये है कि कहीं कुछ नौकरी निकले जिससे हमारे जितने भी पहाड़ के लोग हैं वो प्लान करके दूसरे स्टेट पर ना जा पाएं। रोजगार पर आप क्या कहेंगे? रोजगार तो देखो आएगा, अभी हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, रोजगार कोई मोदी जी अपनी जेब से निकाल के तो नहीं देंगे,
क्योंकि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का फिर से घोषणा पत्र की मैं बात कर रही हूँ, बार बार लगातार मैं इसलिए प्रेशराइज कर रही हूँ क्योंकि जो उनका घोषणा पत्र है वो लगातार उन तमाम मुद्दों पर है जो आम समस्या से जुड़े हुए हैं। आम लोगों की जितने भी चुनावी मुद्दे उन्होंने सबसे मेन फोकस उस पर करा है, गरीब वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों पर उन्होंने ज़्यादा प्रेशराइज किया है कि अब की बार जो सरकार आएगी उन्होंने विकास कार्य मुद्दों को भी उसमें आगे रखा है। उसके बाद उन्होंने जो गैस सिलेंडर, महिलाओं से जुड़े उन्होंने वादे करे हैं। कहीं ना कहीं जो मैं आपको बात बता दूँ कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली मॉडल है उस पर भी बिल्कुल फोकस, एकदम कॉपीराइट आप कह सकते हैं। कि कर्नल अजय कोठियाल ने भी बात कही कि उनका जैसा कॉपीराइट मॉडल जो है कांग्रेस ने तैयार कर दिया। देखो मॉडल तो वही है क्योंकि हमें चाहिए विकास, किसी तरीके से रोजगार, बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है, तो मुद्दे तो एक ही है, चाहे वो पहले कोई लिख दे, तीसरे नंबर पे कोई लिख दे, चौथे नंबर में कोई लिख दे। मुद्दा मेन ये है कि सरकार ये अपनी जेब से नहीं देगी, अगर ये सब सब्सिडी आती है आम आदमी को ही टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, तो हमें भी ये समझना चाहिए सरकार खुद नहीं बनाएगी। जितनी आईएएस लॉबी बैठे हैं वो भी कुछ सोच के बना रहे होंगे और वो वही लॉबी बना सकती है जो एग्जिस्टिंग पावर में हो जी। तो हमें भी यही चाहिए, अभी एग्जिस्टिंग इस प्रदेश को भी ये चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग पावर सेंटर में है वही अगर हमें यहाँ मिलती है तो हमारा विकास, रोजगार और ये सब सब्सिडी हमें मिलेंगी, अदरवाइज हम परेशान रहेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने तमाम लोगों से बातचीत करी और बातचीत में ये नतीजा जो सामने आया कि 100 आउट ऑफ अगर बात की जाए तो 70% और 80% जो है भाजपा के चांसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। और जो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया था उसमें भी तमाम खामियां जो है लोगों को नज़र आई है। और काफ़ी ज़्यादा मैं आपको ये भी पॉइंट आउट करना चाहूँगी, जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है उसमें जो तमाम घोषणाएँ करी गई हैं तो उन्हें लोगों ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, झूठी घोषणाएँ करार दिया है। मैं निशी भाटिया, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ, नमस्कार।